पुरानियां कहानियां, पुराने बाबे, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, खत्म। ये जो अम्मा आयशा पे भौंकता है ना, ये अपनी असल ओ इंजीनियर, तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है, तेरी नस्ल भी गंदी है, तेरा खून भी गंदा है। बगैरत नहीं पुत्र असी, लेकिन दौर फितनों का है, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। और अल्लाह की कसम है शाह जी, मैं दुआ करता हूँ, ए जी पंजवा मारन आया, सब डरा मैं, भैया मारन कोई नहीं गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है, भैया मारन कोई नहीं गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है, पर मारना भी नहीं पुत्र है कोई भी। इसको पहले इल्मी मौत मारना है, इस चूहे नु पहले अभी रुडू बाहर कढ़ना है, और इन सामने बैठा के कहना भज बोल पुत्र, जिस मसले से तू कहना ना जी मैनू बड़ा अबूर है, आज बोल जरा है, कुत्ता जया ना हो, कुत्ता जया ना हो। आप कहेंगे नहीं मिस भाई साहब, ये सख्त अल्फाज हैं, ये सख्त नहीं, सख्त नहीं मेरा बच्चा। कहते हैं ये पांच दफा जो इसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुई है ना, ये ड्रामाबाजी कर रहा है, कोई अटेम्प्ट इसके ऊपर नहीं हुई। और फिर कहते हैं कि जी अगर कोई बंदा सही हमारी तरफ से गया होता तो वो कामयाब ही वापस आता, ये दलील बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, आप देखें कैसा ये बेवकूफ है कि कैमरे के अंदर आके किस किस्म की धमकियां दे रहा है, इसे पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। और फिर साथ ही लेपा पोती करता है, नहीं हम सिर्फ इल्मी इख्तलाफ करेंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ से कोई बंदा गया होता तो फिर वो कामयाब ही वापस आता, और भाई ये अगर ड्रामाबाजी होती तो ये पांचों केसेस में FIR कटी हुई है, कानूनन हम मामलात को लेके चले हैं, वीडियोज रिकॉर्ड है वो, तो मैंने ये आखिरी एक वीडियो, चूंकि उसके मां बाप ने भी आके यहां क्लेम किया था कि वो बच्चा तो आपका स्टूडेंट है, सुनने गया था, आप देखो कैसे हैं यार, ये फौरन मुकर जाते हैं, तो मजबूरन मैंने इनको कहा कि इसकी तो वीडियो रिलीज करो, वैसे तो इधर 300-400 बंदे मौजूद थे, वो हमने मजबूरन वो वीडियो रिलीज की, पुरानी भी मेरे पास वीडियोस रखी हुई है सारी। अब तुम्हें मैं एक बात करूंगा, बुरी लगेगी लेकिन ये हकीकत है, तुम्हारा बड़ा जो था ना वो भी इसी तरीके से था, पूरी कौम को इन्होंने झूठ बोला हुआ है गाजी इल्मुद्दीन के बारे में, उसकी वो पूरी की पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है ना वो BBC ने प्रिंट कर दी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट से आप निकलवा सकते हैं, उसने भी सहते जुर्म से इनकार कर दिया था, जिसके ऊपर सारे गाजी इन्होंने पाले में, उसे पूछा गया तूने छुरी खरीदी, वो कहते हैं नहीं मैं तो सब्जी लेने गया हुआ था। हाँ इधर कहते हैं नबी इस्लाम उसके जनाजे में आगे थे, जब तुम्हारे बड़ों का ये हाल है कि वो सहते जुर्म से इनकार करते हैं, आपको कहानी कराई है जी वो मोहम्मद अली जिना उनके वकील थे, उन्होंने कहा तू एक दफा इनकार कर दे तो मैं तुझे छुड़वा लूंगा, उसने तो पूरे का पूरा इनकार किया, वो पूरा पर्चा प्रिंट हुआ है भाई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको तो छोड़ दे, हमारे साथ जो कुछ हुआ इन सब ने सहते जुर्म से इनकार किया, यहां पर्चे और रजिस्टरों पर लिख के लाते हैं गाजी, और कोर्ट में जाके कहते हैं हम तो वहां आए नहीं थे, सारा इश्क रसूल निकल जाता है, हवालात की हवा लगती है ना जब, तो सारे का सारा इनका खुमार अपने ठिकाने पे आ जाता है। तो ये कहता है जी इसने खाम खा जो है ना वो एक बहाना किया हुआ है, तो अब इसका जवाब मैं इसको क्या दूं, सवाय इसके कि तुम्हारे बापा जानी पे भी जब 1995 में मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो 5-6 बंदे साथ उसके शहीद हो गए थे, तो तुम्हारे पापा जानी ने भी सारा फ्रॉड करके 6 बंदे अपने साथ मरवाए थे, तो इस तरीके से यानी ये बात करने का कोई तुक नहीं बनता था, ये एक बिलो द बेल्ट करने वाली बात थी।